हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। आज आपके साथ में दाल मखनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं दाल मखनी। देखिए, दाल मखनी की रेसिपी के लिए मैंने दाल और राजमा को उबलने के लिए रख रही हूँ। मैं इसे मैंने रात भर भिगो दिया था। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए जो है उबालूँगी। एक बार एक विसल आने पर फिर इसको आधे घंटे तक मैं सिम गैस पर उबलने के लिए छोड़ दूंगी। तो उसके बाद फिर मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। इसमें उबलते समय सिर्फ मैं नमक और हल्दी ही डालूंगी और इसे उबालकर अच्छे से पका लूंगी। ये देखिए, इसमें 2 चम्मच नमक और 1 से 1.5 चम्मच जो हल्दी को डाल दूँगी और उबाल लूँगी इसे। देखिए, दाल जो है मेरी अच्छे से बॉईल हो गई है। देखिए, इसमें मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। अभी इसे खोलकर कुकर को थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ऐसे ही। देखिए, और मैंने इधर प्याज, लहसुन, अदरक ले लिया है। अभी मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी और टमाटरों को भी पीस लूँगी। 2 ही टमाटर लिए, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूँगी मैं साथ में। टमाटर आजकल आपको पता है खट्टे नहीं आ रहे हैं, और खड़े मसालों में मैंने छोटी इलायची, मोटी इलायची और तेज पत्ता ही लिया, और जीरा वगैरह, हींग वगैरह भी मैं डालूंगी जब मैं तड़का लगाऊंगी। तो चलिए, मैं इन सबको पहले प्याजों और लहसुन और अदरक को पीस लेती हूँ। मैंने प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट को मिक्सी में पीस लिया है। और देखिए, मैं देसी घी में ही तड़का लगा रही हूँ, और देसी घी जो है गर्म हो गया। अब सबसे पहले इसमें मैं खड़े मसाले डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने इलायची 2 तो प्याजों के साथ ही पीस ली थी छोटे वाली, और अब इसको 2 इलायची को और बड़ी इलायची को मैं इसमें डाल रही हूँ, और साथ में ही मैं हींग और जीरा भी डाल दूँगी। ये देखिए, साथ में 1/2 चम्मच जो है मैंने जीरा डाल दिया इसमें। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें मैं थोड़ी सी हींग भी डाल दूँगी साथ में। हींग दोस्तों जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि साबुत उड़द है ना, तो कई बार जैसे गैस कर जाती है, तो इसीलिए। वैसे तो मैं हर सब्ज़ी में हींग डालती हूँ, पर इस दाल में तो आप ज़रूर डालिए। अच्छी क्वांटिटी में डालिए, 1 चम्मच जो है भरकर थोड़ी। तो देखिए, हींग भी डल गई है। अब इसे 2 मिनट फ्राई होने के बाद मैं इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया है ना मिक्सी में, उसको ऐड कर दूँगी। ये देखिए, और अच्छे से इसे भून लेंगे। तो चलिए, अभी इसको मसाले को आपको पूरा अच्छे से भून के दिखाती हूँ। देखिए, लहसुन प्याज और अदरक का मसाला जो है भुन रहा है अभी, तो समय लगेगा भुनने में। और ये देखिए, मैंने तेज पत्ता भी डाला था, पर इसकी क्लिप जो है मिस हो गई, वो आई नहीं एकदम से वीडियो में, शायद मैं बना ही नहीं पाई, तो मैंने डाल दिया था पर तेज पत्ता भी इसमें। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी ताकि जो मसाला है जल्दी भुने। नमक तो देखिए मैंने पहले भी डाला है, पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने चेक कर लिया, थोड़ा कम लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा इसमें नमक डालकर अभी मैं इसको और भूनूँगी। अच्छे से ये ब्राउन कलर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों, जब आप मिक्सी में इसको पीसते हो ना प्याजों को, बिल्कुल आप बारीक मत पीसिए, मोटा मोटा ही पीस लीजिए। आज देखिए, मैंने मोटा मोटा पीसा है, इससे ना भुन जाता है, नहीं तो ये बारीक अगर हम पेस्ट कर लेते हैं ना तो भुनता नहीं है जल्दी से, कच्चा रहता है, और उसका जो टेस्ट भी कच्चा ही आता है। तो देखिए, सभी में भून लेते हैं। मैंने टमाटर को भी मिक्सी में ही ग्राइंड कर लिया है। तो ये दोपहर के लंच के लिए दाल दोस्तों मैं बना रही हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता ही है सब्ज़ी वगैरह खाने का तो मन करता ही नहीं है। वैसे अधिकतर दालें हम रात को ही खाते हैं, पर आज मन कर रहा था, जैसे राजमा वगैरह तो हम बनाते रहते हैं, तो आज बच्चों ने बोला मम्मी आज दाल मखनी बना लो और साथ में चावल बना लेना दोपहर को, जब हम स्कूल से आएंगे। बच्चे चले गए हैं स्कूल, अपना लंच तो ले गए हैं हम, तो मैं दोपहर के लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे खाकर तो आपको पता है जाते नहीं हैं, सिर्फ दूध वगैरह ही लेते हैं, साथ में कुछ रस वगैरह या बिस्किट वगैरह ले लेते हैं। तो वो जो उनका लंच टाइम होता है, तब वो अपने पराठे वगैरह जो लेके जाते हैं वो खा लेते हैं। तो इसीलिए लंच में ना उनको प्रॉपर खाना चाहिए, तो इसलिए मैं दाल चावल बनाऊंगी।
तो चलिए अभी मैं इसे भून लेती हूँ। पहले प्याज भी अच्छे से भुन गए हैं, देखिए कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया इनका। अभी इन्हें मैं अच्छे से, देखिए इन्होंने घी भी अपने अलग से छोड़ दिया है, बिल्कुल साइडों में पूरा घी आ गया है। अब इसमें मैं टमाटरों को ऐड कर दूँगी, देखिए टमाटरों को भी अच्छे से 5 से 7 मिनट तक इस मसाले के साथ ही भूनूंगी। अभी देखिए सिर्फ इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ही ऐड किया है, क्योंकि दाल में भी पहले मैं नमक ऐड कर चुकी हूँ, नमक से जो है हमारा मसाला जल्दी भूनता है। तो देखिए अब इसमें मैं हल्दी नहीं डालूँगी, सिर्फ इसमें गर्म मसाला और लाल मिर्च ही जाएगी। तो चलिए मैं टमाटरों को भी अच्छे से भून लेती हूँ। अभी से मैं टमाटरों को दोस्तों ढककर भूनूंगी ताकि अच्छे से पक भी जाएं और एकदम से घी जो है बिल्कुल अलग हो जाए। टमाटर भी भुन गए हैं, अब इसमें मैं लाल मिर्च और गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और इन्हें अच्छे से मिक्स करके अभी 4 से 5 मिनट अभी और लगेंगे इसमें, इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। चलिए अभी से मिर्चों को भी मैं और गरम मसाले को भी टमाटरों के साथ जो मैं अच्छे से अभी पका लेती हूँ। देखिए मैं नहाकर भी आ गई हूँ और हमारी दाल मखनी भी बनकर बिल्कुल रेडी है। नहाकर तो दोस्तों आई हूँ, देखिए पसीने अभी भी आ रहे हैं, गर्मी तो बहुत ही हो रही है। तो चलिए दाल को दिखाती हूँ आपको, बन गई है। और अभी उसमें मैं लास्ट तड़का जो ऊपर से छौंक लगाते हैं ना, अभी वो लगाऊंगी, तो उसके बाद जो हमारी दाल बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दाल बनकर बिल्कुल रेडी है, बस इसमें ऊपर से छौंक लगाएंगे। और छौंक के लिए मैंने देखिए 1/2 चम्मच देसी घी ले लिया है और इसी में मैं थोड़ा सा जीरा और साबुत लाल मिर्च और जो है थोड़ी सी सूखा धनिया, साबुत धनिया होता ना उसको डालूंगी। देखिए घी गर्म हो गया ना, तो इसमें मैं सबसे पहले सूखे धनिया को ही ऐड कर रही हूँ। मिर्च को मैं बाद में ऐड करूँगी क्योंकि वो तड़पने लग जाती है। ये देखिए सूखा धनिया ऐड कर दिया है मैंने और देखिए सूखा धनिया जो है बिल्कुल भुन गया है थोड़ा सा। इसमें अब थोड़ा सा जीरा डालेंगे, ज़्यादा जीरा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले ही डाला। और देखिए इसमें मैं साबुत लाल मिर्चों को भी इस तरीके से ऐड कर दूँगी और अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे। दोस्तों आप इस तड़के को ऊपर से लगाएंगे ना दाल के, तो इससे दाल का फ्लेवर और टेस्ट जो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए गैस मेरी सिम है, हमने मिर्चों को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको तो सिर्फ हस्बैंड ही खाते हैं या एक आधी मैं ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, कोई भी नहीं, बच्चे नहीं खाते। तो ये देखिए अब इसमें हल्की सी ना दोस्तों मैं लाल मिर्च भी डालूँगी कलर के लिए, क्योंकि पहले भी मैंने लाल मिर्च डाल दी है गर्म मसाला वगैरह। ये देखिए बस हमारा छौंक या तड़का बोल दीजिए आप, पंजाबी में तो हम लोग तड़का ही बोलते हैं, तैयार है। अब इसे मैं दाल में ऐड कर दूँगी और जो दाल का कलर है कितना अच्छा हो गया। और देखिए अभी दाल पतली है क्योंकि दोपहर को खानी नहीं, इसलिए मैंने जानबूझ कर ही पतली रखी है, क्योंकि दोपहर तक तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। चलिए दोस्तों मैं अभी आपको दाल को सर्व करके दिखाती हूँ। और इसमें मैं अभी थोड़ा सा मक्खन जो है अमूल बटर और डाल दूँगी ऊपर से, तो जो हमारी दाल जो है और अच्छी रिच और टेस्टी हो जाएगी। देखिए मेरी दाल मखनी कितनी टेस्टी लग रही है और बहुत ही यम्मी बनी है, मैंने खा के भी देख ली है थोड़ी सी। तो अगर दोस्तों मेरी आपको दाल मखनी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और दोस्तों आप दाल मखनी को चावल के साथ, नान के साथ या सादी रोटी के साथ भी खाएंगे ना, तो ये दाल मखनी आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ आपको ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, बाय।